हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ ये हरा भरा कबाब की रेसिपी शेयर करने जाने वाली हूँ, जो कि एकदम हेल्दी बनाएंगे। बिना फ्राई किए, बिना आलू के आज हम बनाएंगे ये। इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी गरम कर दिया है, थोड़े से 20 से 25 पालक के पत्ते लिए हुए और आधा वाटी मटर लिया हुआ है वटाना। इन सभी चीजों को हम लोग को बॉईल करना है, 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है, ज्यादा बॉईल नहीं करना है। फिर अपने को क्या करना है, इस सब को निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है अपने को, जिससे क्या होगा, इसका ग्रीन का ग्रीन कलर बना रहेगा, इसीलिए ठंडे पानी में डाल देना है। फिर हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी पूरा हम लोग को निकाल लेना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी क्या है, हरा भरा कबाब प्रॉपर नहीं बनेंगे। फिर मिक्सर जार में लेके दरदरा से इसको पीसना है, ज्यादा बारीक मत पीस देना, दरदरा सा पीस के हो जाएगा ना। उसके बाद एक कढ़ाई गरम रख दिए, उसमें अपने को 1 चम्मच के आसपास तेल लेना है, ज्यादा तेल भी नहीं लगता। आप देखोगे ना, ये हरा भरा कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार हींग डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। और 8 से 10 लहसुन को मैंने कट करके लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा मैं यहाँ पे कट करके डाल रही हूँ, 1 मिर्ची को कट करके डाल रही हूँ। आप चाहिए तो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर ऐसे टुकड़े डालेंगे तो क्रंचीनेस मस्त आता है। 1/2 गाजर और 1 छोटा टुकड़ा गोभी का कद्दूकस करके डाल रही हूँ, इससे टोटल हमारी 4 हरा भरा कबाब बनेंगे। देखो अच्छे से मिक्स करके हो जाएगा ना, अपने को ये सारा काम हाई फ्लेम पे करना है। फिर अपने को मटर और पालक का जो हमने दरदरा सा पीस के लिया था ना, वो इसमें डाल के लेंगे। ये हरा भरा कबाब बनाने आपको हार्डली 10 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना इसमें, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालना, नमक पहले से मत डाल देना, लास्ट में डालना। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और चाट मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ। आपके पास चाट मसाला ना हो ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हो, 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ और 1 छोटा टुकड़ा पनीर का कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आपको चाहिए तो उबला हुआ आलू यहाँ पे डाल सकते हो, देखो बिगर आलू भी ये बहुत मस्त होती है हरा भरा कबाब। 1 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का आटा डाला है, आपके पास कॉर्नफ्लोर का आटा ना हो तो आप चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस टाइम आपका मिक्सचर अगर ड्राई ना लगे, गीला गीला लगे ना, तो आप पीसे हुए पोहा थोड़े मिक्स कर सकते हो, या फिर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास ब्रेड क्रम्स डाला है, ज्यादा ब्रेड क्रम्स नहीं डालना है इसमें अपने को। देखो अच्छे से बाइंडिंग आना चाहिए, ऐसे अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा ना। उसके बाद अपने को क्या करना है, हाथों में लेना है ऐसे छोटा सा एक पोर्शन, गोल गोल कर लेना है। देखो इसके जितने 4 पोर्शन मैंने बोला, 4 बनेंगे इससे हरा भरा कबाब। फिर अपने को हाथों में लेके इसको टिक्की का ऐसे शेप दे देंगे। देखो मस्त हमारा हरा भरा कबाब बनके रेडी हो चुका है, शेप दे चुके, सारे के सारे हरा भरा कबाब हम लोग ऐसे रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो फिर मैंने क्या किया, उस पे काजू का आधा काजू रहता है ना, उसका टुकड़ा लगा दिया है। और फिर ऐसे थोड़ा सा तेल गया है, देखो हार्डली 1 चम्मच के आसपास तेल है इसमें, ज्यादा तेल नहीं, 1 चम्मच तेल में 4 हमारी हरा भरा कबाब आसानी से बन जाएंगे। देखो मस्त अपने को साइड्स में रख देना ऐसे, और फिर मीडियम फ्लेम पे अपने को इसको पकने देना है, ज्यादा हाई फ्लेम मत कर देना, ज्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ऐसे जल जाएगा, इसीलिए अपने को ऐसा मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरह से सिक के लेना है। मस्त कम तेल में बनने वाला काफी हेल्दी ये ऑप्शन है, आप चाहिए तो टिफिन बॉक्स में दीजिए और इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हो। 1 हफ्ते तक ये बनाए हुए कच्चे कटलेट्स ऐसे के ऐसे ही रहते हरा भरा कबाब। आप भी एक बार इस तरह से कबाब बना के जरूर ट्राई करिए।